السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने तमाम स्टूडेंट का और तलबा और तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ। आज ये हमारे प्रोग्राम की 22वीं कड़ी है, यानी 10 दर्स नंबर 22 है। किताब का नाम है कब्र से हश्र तक। ये फिक्र आखरत को अपने दिलों में पैदा करने के लिए, ये या अकीद आखरत को मजबूत और ताज़ा बनाने के लिए हमने इस तरह के प्रोग्राम का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दिलों का तस्किया और दिलों की पाकी अता फरमाए। आज का जो दर्स है ये गुज़िश्ता दर्स से मुताल्लिक है, क्योंकि गुज़िश्ता दर्स में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक बात चली थी कि मैदान महशर में जब गर्मी से लोग परेशान होंगे, उस वक्त तमाम के तमाम पैगंबरों के उम्मती मिल करके ये जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर वहाँ से नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, के बाद दीगरे अलग अलग पैगम्बरों के पास जाएंगे। तो उसी में बात आ गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 बातें ऐसी कही हैं जो खिलाफ वाकया थी, और उन्हीं बातों की तफसील करते हुए हाजर का भी जिक्र आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ, एक सारा और एक हाजर। तो हाजर से मुतालिक एक सवाल मैंने बनाया है और मुंतखब किया है, तैयार किया है कि हाजर कौन थी। हाजर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी है, उनके मुतालिक 2 अकवाल मिलते हैं। मिस्र के जालिम बादशाह की बेटी या लौंडी थी, इसमें कोई शक नहीं। यही 2 अकवाल ज्यादातर जो है सीरत निगारों ने और तारीख निगारों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने, कि मिस्र के जालिम बादशाह की बेटी या लौंडी थी। अगर आपसे सवाल किया जाए कि हाजर कौन थी, और हाजरा, हाजरा ये हमारे जुबान के अंदर खास तौर से मशहूर है, हम अपने जो है उर्फ के अंदर हाजरा ही कहते हैं, सारा और हाजरा के नाम से दोनों बीवियों का नाम लेते हैं, लेकिन उलमा ने यही लिखा है कि ज्यादा बेहतर ये है कि इनको हाजर ही कहा जाए। हाजर कौन थी? हाजर मिस्र के जालिम बादशाह की बेटी या लौंडी थी। इसकी दलील क्या है? दलील है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ नमरूद के मुल्क इराक से हिजरत की तो एक ऐसे शहर में पहुंचे जहाँ एक बादशाह रहता था। अब देखिए कि बड़े बड़े पैगम्बरों को भी अल्लाह के दीन के लिए और दीन की दावत के लिए और अल्लाह की रजा जोई और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने वतन को छोड़ना पड़ा। ये इतना मुश्किल तरीन अमर है कि एक आदमी अपने घर को, वतन को और खानदान को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अक्सर पैगंबरों के साथ यही मामला हुआ कि जब भी उन्होंने अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया, अल्लाह के दीन की और आखिरत की दावत दी, तो वहां के जालिमों ने और वहां के काफिरों ने, वहाँ के दुश्मनों ने वहाँ उनको रहने नहीं दिया। और यही बात उरका बिन नौफल ने भी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही थी कि ये जो है आपका शौहर नामदार, ये अल्लाह के पैगंबर बना दिए गए हैं और अल्लाह ने इनको पैगंबरी के रिसालत के लिए चुन लिया है, और एक दौर ऐसा आएगा कि इनके चाहने वाले जो मक्का में इनके बहुत ज्यादा हिमायती हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, जब ये रसूल हो जाएंगे, पैगम्बर हो जाएंगे और लोगों को अल्लाह की दावत तौहीद की तरफ बुलाना शुरू कर देंगे, तो यही मक्का वाले इनको यहाँ से निकलने पर मजबूर करेंगे और निकलना ही पड़ेगा। तो उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब के साथ पूछा था कि क्या मुझे मेरे मक्का के लोग मुझे मक्का से निकलने पर मजबूर कर देंगे? तो कहा, हाँ, हर पैगम्बर के साथ ऐसा ही हुआ।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम ने सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ नमरूद के मुल्क इराक से हिजरत की तो एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां एक बादशाह रहता था, या फरमाया कि एक जालिम बादशाह रहता था। मिस्र का वाकया है, मिस्र में जालिम बादशाह रहता था। उससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक किसी ने कह दिया कि एक शख्स आया है और वो एक नहायत ही खूबसूरत औरत लेकर यहाँ आया है, यानी एक मेहमान आया है और किसी दूसरी जगह से, और उसके पास एक औरत है सारा नाम की जो बहुत ही खूबसूरत है। बादशाह बदतमीज था और जो है जालिम था, इसलिए बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम से पिछुआ भेजा कि इब्राहिम ये औरत जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी क्या होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बादशाह ने पूछा, इब्राहिम ये जो खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है इससे तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है, ये रिश्ते में तुम्हारी कौन होती है। ये सवाल हकीकत में बहुत ही मुश्किल है, आसान सवाल नहीं है कि कोई आदमी किसी औरत के साथ जा रहा हो और आप उसके बारे में पूछें कि तुम्हारे साथ कौन है। तो बहुत सारे लोग तो लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, खासतौर से वो लोग जिनके आपसी रिश्ते जायज ना हो बल्कि नाजायज हो, हराम हो, तो ऐसे लोग तो मारने पीटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने पूछा, ये औरत जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी क्या होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की झूठ से मुतालिक की पहली बात इसमें मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास या सारा अलैहिस्सलाम के पास यहाँ आए तो उनसे कहा कि मेरी बात ना झुटलाना, मेरी बात ना झुटलाना, मैं तुम्हें अपनी बहन कह आया हूँ। बादशाह ने पूछा था सारा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह ने मुझसे पूछा था तुम्हारे साथ ये औरत कौन सी है, तो मैं जो बोला हूँ वही बताना, कि मैंने जो कह दिया है कि ये मेरी बहन है तो तुम भी कहना वो मेरे भाई हैं, ये नहीं बोला कि ये शौहर हैं, तो मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह की कसम आज रे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के यहाँ भेजा, या बादशाह सारा के पास जो है बादशाह सारा के पास गया। उस वक्त सारा वजू करके नमाज पढ़ने खड़ी हो गई थी, सारा वजू करके नमाज पढ़ने खड़ी हो गई थी। आमतौर से जो है रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हा का जो ताल्लुक होता है वो सहाबे किराम से होता है, लेकिन के वो लिखने के दौरान गालिबन शायद ख्याल नहीं था तो मैंने अलैहिस्सलाम की जगह रज़ियल्लाहु अन्हा लिख दिया है। तो बहरहाल ये सहाबियात के लिए होता है और उनकी पहचान होती है, और बहरहाल इनको रज़ियल्लाहु अन्हा कहेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन एक इस्तिलाह के मुताबिक सहाबे इकराम और सहाबियात के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु या अन्हा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर में दुआ की कि अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शौहर के सवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत न कर। बादशाह जालिम बादशाह के चंगुल में आ गई, उसके रूम के अंदर आ गई, अकेले में है, शौहर भी बाहर है, कोई भी नहीं है, लेकिन ईमान देखिए, अल्लाह की मदद देखिए, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल देखिए, एक अल्लाह ताला की रहमत का करिश्मा देखिए कि किस तरह से साहिब ईमान जो मोमिना औरत होती है अगर अल्लाह के हुजूर में वो हाथ उठा ले, कितने भी जालिम लोग हो जाएं उसकी इज्जत को जो है बर्बाद नहीं कर सकते या उसके साथ दस दराजी नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप गौर कीजिए कि कैसे रब्बुल आलमीन ने सारा अलैहिस्सलाम की, हमारी और आपकी माँ की हिफाजत फरमाई, कि सारा अलैहिस्सलाम ने अकेले में और तन्हाई में जब वो बादशाह के पास गई और बादशाह ने दस्तराजी करनी चाहिए और अपने गलत हाथ का और अपने बुरे हाथों को और अपनी नियतों का गलत नियतों का इस्तेमाल करना चाहा, तो उन्होंने दुआ की। क्या दुआ की? दुआ की कि ए रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ और तेरे रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखती हूँ, और अगर मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो ए रब्बुल आलमीन आज तू मेरी हिफाजत फरमा, आज तू मुझको मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत ना कर। ये काफिर है, जालिम है, बदतमीज है। ये दुआ अभी सारा अलैहिस्सलाम की जुबान से निकली थी कि अर्श इलाही तक पहुंच गई, अल्लाह के अर्श तक ये दुआ पहुंच गई, और इतने में अल्लाह ने सुन भी लिया और बादशाह थर्रा गया
और उसका पांव जमीन के अंदर धंस गया। वो आगे बढ़ना चाहता था, दस्तराजी करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो बढ़ करके और सारा के साथ कुछ बदतमीजी कर सके। इतने में अल्लाह ने दुआ सुन ली किसकी, सारा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने फरमाया ना, उद्उनी अस्तजीब लकुम, मुझे सिद्क दिल से पुकार कर तो देखो मैं तुम्हारी दुआओं को कैसे सुनता हूँ। इतने में बादशाह थर्रा गया, जालिम बादशाह जो गलत इरादा लेकर के बैठा था और उनको बुलाया था गलत काम करने के लिए, और उसका पांव जमीन के अंदर धंस गया। आरज ने कहा कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उससे अबू हुरैरा ने बयान किया कि सारा रसूलल्लाह अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ऐ अल्लाह अगर ये बादशाह मर गया, मैं बद्दुआ तो कर रही हूँ, ये धंस गया ठीक है, लेकिन अगर मेरी बद्दुआ से ये मर गया तो लोग कहेंगे इसी जालिम औरत ने मारा है, चुनाते वो फिर छूट गया, धंस गया था, फिर अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। और जैसे मोहलत पाया फिर वो आगे बढ़ने लगा, दस्तराजी करने की कोशिश करने लगा। सारा रज़ियल्लाहु अन्हा या अलैहिस्सलाम वुज़ू करके फिर नमाज पढ़ने लगी थी और ये दुआ कर दी जाती थी, ऐ अल्लाह अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा हर मौका पर मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर। चुनाते फिर वो थर्राया, कांपा और उसके पांव जमीन में धंस गए। अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि अबू सलमा ने बयान किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि सारा ने फिर वही दुआ की कि अल्लाह अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे इसी ने मारा है। अब दूसरी या तीसरी मरतबा भी वो बादशाह छोड़ दिया गया, फिर अल्लाह ने उसको धसाया तो लेकिन मरने नहीं दिया, उसको बचा लिया। जब बादशाह ने एक मरतबा ट्राई की, दो मरतबा ट्राई की, तीन मरतबा जुल्म करने के लिए, सुनिया बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ा और तीनों मरतबा उसके पांव जमीन में धंस जाते और वो थरथराने लगता, तो आखिर कहने लगा, ऐ लोगो तुम लोगों ने मेरे यहाँ एक शैतान भेज दिया, ये तो शैतान मालूम होती है, बड़ी ताकतवर औरत है, इसे इब्राहिम के पास ले जाओ और उन्हें एक मेरी लौंडी भी दे दो जिसका नाम हाजर है। तो ये बादशाह की लौंडी या बेटी थी, हाजर जो थी वो बादशाह की लौंडी या बेटी थी। फिर सारा अली इब्राहिम अली सलाम के पास आई और उनसे कहने लगी कि देखिए आप देखते नहीं कि अल्लाह ने काफिर को किस तरह जलील किया और साथ में एक लड़की भी दिलवा दी। देखिए जब कहते हैं ना, हर तरफ के जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की मदद और रहमत का दरवाजा खुल जाता है। कभी कभी सामने ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान सोच नहीं पाता कि मैं इस मुश्किल से कैसे बचूंगा। अब गौर कीजिए, एक बादशाह जालिम बादशाह है और एक अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हैं, और उनकी बीवी को उनके सामने से बुलाया और अपने कमरे में तन्हाई में खलवत में ले गया और उनके साथ गलत इरादा करना चाहा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए कोशिश भी किया कि उसको कहा ये मेरी बीवी नहीं बहन है, क्योंकि जब बहन आदमी किसी को बोल देता है तो लोग थोड़ा सा उसके साथ लिहाज करते हैं और उसके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, क्योंकि बहन के मुतालिक आदमी की गैरत बहुत ज्यादा होती है। तो बहरहाल वो बहन कहा और उनसे जब पूछा सारा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने भी कहा ये जो है मेरे भाई हैं। उसके बावजूद भी उस बादशाह ने गलत काम उसके साथ उनके साथ करना चाह बदतमीजी करना चाही, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैंने अपनी शर्मगाह को जो है कभी इनके अलावा किसी और के सामने नहीं खोला, या किसी तरह से हमने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है हर जगह और हर मौके पर जो है अपने शोहर के अलावा, तो अल्लाह ताला ने उसको जलील खार कर दिया और एक जो है लड़की भी दे दी। वो इतना ज्यादा मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि अपनी लौड़ी जो हाजिर थी उनको भी सारा के हवाले कर दिया। अब गौर कीजिए अल्लाह का फरमान, वसा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम वसा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। अल्लाह फरमाता है हो सकता है जिसको तुम नापसंद करते हो अल्लाह उसमें खैर पैदा कर दे, और जिसको तुम पसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो, उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, तुम्हारे लिए फसाद हो। तो ये जो है बात वाज़ेह हो गई कि सारा और इसी तरह से हाजरा के मुतालिक क्या रिश्ता था, या हाजर कौन थी। हाजर ये मिस्र के जालिम बादशाह की बेटी या लौंडी थी, और उस वक्त उसने दिया जब देखा कि सारा ये बड़ी जो है ताकत वाली कुव्वत वाली औरत है, मैं इसके साथ कुछ करना भी चाह रहा हूँ लेकिन मैं जमीन में धंस जाता हूँ, तो वो मजबूर होकर के उनकी जो है इज्जत अजमत और इज्जत अफजाई के लिए उसने अपनी हाजर को सारा के हवाले कर दिया। अब आइए दूसरा सवाल है इससे मुतालिक, सारा और हाजरा के दरमियान क्या रिश्ता था। सारा और हाजरा बड़ा दिलचस्प मौजू है, आप सबसे गुजारिश थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
और तवज्जो के साथ मेरे साथ शरीक हो जाइए। सारा और हाजर, हाजरा असल में हाजर ही है, सारा और हाजर के दरमियान क्या रिश्ता था? सारा और हाजर के दरमियान तो पहले ये रिश्ता था कि सारा की लौंडी थी हाजर, और बाद में रिश्ता क्या हुआ, सारा की सौकन बन गई, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम के हवाले कर दिया, उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो कहा कि ये नौजवान और लड़की है, औरत है, और आप इसको ले लीजिए, इसके साथ आप जो है शादी कर लीजिए, अपनी बीवी बना लीजिए, और हो सकता है इसके जरिए अल्लाह ताला औलाद दे दे। लेकिन जैसे सौकन बनी, जिंदगी में दुश्मनी पैदा हो गई, अदावत पैदा हो गई। तो अब लोगों को बात मालूम होगी कि सारा और हाजर के दरमियान क्या रिश्ता था। सारा और हाजर के दरमियान रिश्ता यह था कि हाजर ये सारा की लौंडी थी, जिसे जालिम बादशाह ने सारा के हवाले किया था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए बादशाह नमरूद नहीं था, बादशाह मिस्र के जो बादशाह होते थे, जालिम बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, तो फराइन में से एक फिरौन था, नमरूद नहीं था। नमरूद तो इराक में रहता था, वो इराक का बादशाह था जो नमरूद था, ये मिस्र का जालिम बादशाह था, और मिस्र के बादशाहों की जो है का लकब हुआ करता था फिरौन, तो ये भी फराइन में से फिरौनों में से एक फिरौन था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की, तो उन्हें बादशाह ने हाजर, हाजर को दिया, हाजर ने हाजर यानी हाजर अलैहिस्सलाम को दिया, अतीय में दे दिया, कहा ये सारा तुम इसको ले जाओ, अपनी खिदमत गुजारी के लिए इसको ले जाओ। फिर वापस हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देखा आपने काफिर को किस तरह अल्लाह ताला ने जलील किया, और एक लड़की खिदमत के लिए भी दे दी। इब्ने सीरीन ने कहा कि उनसे अबू हुरैरा ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि बादशाह ने हाजर को उनकी खिदमत के लिए दिया था। किसकी खिदमत के लिए? सारा की। और सारा ने औलाद के लिए किसको दे दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। फिर उन्होंने उनको बीवी बना लिया, और उस बात जो है गैरत का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि ये सारा ने ही हाजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले किया था, और अपनी मर्जी से किया था, लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ गई यानी जोजियत में आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वही सारा जो हाजर के, जो हाजर से प्यार करती थी और लौंडी की तरह से उनको अपने पास रखती थी, खिलाती पिलाती थी, और अच्छा सा शफकत का मोहब्बत का बर्ताव करती थी, जैसे उनकी निस्बत चेंज हुई या वो लौंडी से और शोहर की बीवी बन गई, फिर सौकन बन गई, और ऐसा सौकन का मामला हुआ, ऐसा हुआ कि वो मामला बहुत आगे बढ़ गया, यहाँ तक आगे बढ़ गया कि दोनों के लिए अलग अलग जगह का इंतखाब करना पड़ा। सारा ये जो है शाम के अंदर जो फलस्तीन में रहती थी, और हाजर को अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मक्का मुअज्जमा में खाने काबा के पास ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में अदावत और दुश्मनी और रकाबत और गैरत का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब आइए एक बड़ा दिलचस्प वाकया, शायद आपने सुना ना हो, इससे पहले मैं पेश करता हूँ, तारीखी रवायात में ये चीज मौजूद है, सनद के अतबार से तो कोई रवायत नहीं मिली, लेकिन तारीख में एक वाकया मिला है हाजर से मुतालिक, सारा की गैरत का वाकया, ये गूगल वगैरह में मैंने तलाश किया तो ये वाकया मुझे मिला। तारीखी रवायात में सारा की हाजर से गैरत के मुतालिक एक सबक आमोज वाकया मुलाहजा फरमाए, इसको गौर से सुने और याद रखें, और इसमें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इबरत का सामान है कि आदमी कभी कभी गुस्से में, गैरत में बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है कि बाद में उसको पछतावा होता है। तो अभी इस तरह की गैरत या गुस्सा अगर आ जाए आदमी को, तो उसको जो है अपने हिसाब से कंट्रोल में अपने आप को करना चाहिए, और गैरत में खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के साथ इस चीज को लाजिम कर दिया है कि अगर हम मोमिन है तो अच्छी बुरी दोनों तरह की तकदीर से राजी रहें। अल्लाह ताला ने हमारी मुकद्दर में अच्छी चीजें भी लिखी हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत भली मालूम होती हैं, और हमारी तकदीर में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जिनको हमें झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, हम चाहते भी नहीं है, लेकिन वो चीजें हमारी जिंदगी से अलग नहीं हो पाती क्योंकि तकदीर का हिस्सा हो गई। और हर साहिब ईमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी तकदीरों के फैसले हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। ख्वाहिश और मर्जी हर आदमी की जो होती है ना, पूरी जिंदगी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले नहीं होते। जिंदगी के अंदर बहुत सारे फैसले अल्लाह ताला करता है हमारे मुताल्लिक जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, जैसा कि कुरान में फरमाया, वसा अन तकरहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम, हो सकता है जिसको तुम ना पसंद करते हो तुम्हारे लिए खैर हो, जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए शर हो।
तो हमारी तकदीरों के फैसले हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, क्योंकि इस दुनिया में हम खुद मुख्तार नहीं बल्कि अल्लाह के ताबे और उसके अहकाम के ताबे और उसके गुलाम हैं। इसलिए दारे फानी में हमें अल्लाह के हर हुक्म और हर फैसले को बिला चूंचरा तस्लीम कर लेना चाहिए। अल्लाह आजमाइश भी करता है, इम्तिहान भी लेता है, नेमतों से भी नवाजता है, परेशानियों से भी दोचार करता है। अल्लाह की मर्जी, हमें हर हाल में अल्लाह के मुतालिक अच्छा गुमान रखना चाहिए। बीवियों से मुतालिक, यानी बीवी ने सारा से हाजर से मुतालिक, सारा की गैरत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें भी आजमाए गए, दो बीवियों का मसला था उसमें भी आजमाए गए, वह इतने आजमाए गए, इतने आजमाए गए कि एक दो नन्हे और शीरखार बच्चे और नूरे नजर को जो आरजुओं और तमन्नाओं की बात पैदा हुआ था, अभी दूध पीते पीने की हालत में था, उसको भी अल्लाह ने कहा इसको अलग कर दो, दोनों को एक साथ मत रखो वरना दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सारा अलैहिस्सलाम ने ही हाजर को औलाद के हुसूल की नियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दिया था। जरा गौर कीजिए इस पे, इस वाक़े पे गौर कीजिए, ध्यान से इसको सुनिएगा। सारा अलैहिस्सलाम ने ही हाजर को औलाद के हुसूल की नियत से इब्राहिम की ज़ौजियत में दिया था। हाजर पहले किसके पास थी? सारा के पास। सारा के हवाले हाजर को किसने किया था? जालिम बादशाह ने। जालिम बादशाह ने हाजर, जो उसकी बादशाह की लौंडी बेटी थी, उसे सारा के हवाले किया। और सारा बूढ़ी हो गई थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए थे और वो जवान थी, तो सारा ने सोचा अगरचे हमारे शोहर बूढ़े हैं लेकिन ये जवान है, अगर इसके साथ निकाह कर देंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको अपनी ज़ौजियत में ले ले, अपने पास रखने लगे, तो हो सकता है इसके जरिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह औलाद से नवाज दे। तो सारा ने ही हाजर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले किया था। जबरदस्ती इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी जोजियत में नहीं लिया था, बल्कि उनका मशवरा था कि मेरे जरिए औलाद नहीं हुई तो आपके जरिए हो सकता है औलाद हो जाए। मगर हाजर अलैहिस्सलाम इब्राहिम की बीवी बन गई तो सारा को इस कदर गैरत आई कि एक दिन उन्होंने कसम खा लिया कि किसी ना किसी रोज हम हाजरा के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काट डालेंगे, नोच डालेंगे, या हाजर के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मैं किसी दिन नोच डालूंगी, काट डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। इतनी गैरत आई, इतनी गैरत आई कि उन्होंने कसम खा ली और कह दिया अल्लाह की कसम मैं किसी मौके पर किसी दिन हाजर जो ये जो है हमारी सौकन है, इसके जिस्म का कोई ना कोई अज्व मैं काटूंगी, नोच डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं, इसको नहीं माफ करूंगी। गुस्से में कसम तो खा लिया। अब कसम खाने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने सोचा यार मैं एक जुल्म कर रही हूँ, ये भी मेरे शोहर की बीवी है और कोई गलत मेरे साथ सलूक इसने नहीं किया, मैंने ही हवाले किया है, लेकिन गुस्से में मैंने कह दिया कि मैं हाजर के जिस्म का कोई हिस्सा काटूंगी या नोश डालूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको माफ नहीं करूंगी। कसम खा लिया इन्होंने। जब कसम खाने के बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें अपनी कसम पर बहुत अफसोस हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगी इब्राहिम अब मैं अपनी कसम का क्या करूं, मैं अपनी कसम के बारे में सोच रही हूँ कि मैंने गलत कसम खा ली, मुझे ऐसे ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए कि किसी मासूम औरत के जिस्म का हिस्सा मैं काटूं और गैरत की वजह, गुस्से की वजह से उसके जिस्म को नोच डालूं मैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मालूम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया और कहा कि तुमको तो करना पड़ेगा, तुमने जब कह दिया है कि मैं हाजर को नहीं छोड़ूंगी, उसको नोच डालूंगी या उसके जिस्म का कोई हिस्सा नोच डालूंगी, तो अब तुमको तो कसम पूरा करना पड़ेगा। कहा मैं कैसे कसम पूरा करूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा को कहा, सारा को जवाब दिया, कहा तुम हाजर को ले जाओ और इसके कान में सुराख करो, इसके कान को फाड़ दो, इसके कान के अंदर सुराख करके इसको तकलीफ पहुंचाओ, इस तरह तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। चुनाचे सारा अलैहिस्सलाम ने हाजर अलैहिस्सलाम के कान में सुराख कर दिया। जब कान में छेद हो गया, सुराख हो गया और कान का जो है सुराख बिल्कुल खुल गया, तो उस मौके पर हाजर ने सारा ने सोचा इसका कान जब सुराख इसमें हो गया तो इसके कान में कुछ डाल दूं, जेवर वगैरह या कोई चीज भी पहना दूं तो इसका कान की जो सुराख है वो भर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मौरखी ने लिखा है कि जब सारा ने हाजर के कान को छेद दिया, उसमें सुराख कर दिया और बाली जब पहनाई है तो बाली पहनने के बाद हाजर और ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगने लगी, क्योंकि वो नौजवान थी, उनकी उम्र बहुत थोड़ी थी, सारा के मुकाबले वो बहुत ही कम उम्र थी। तो जैसे हाजर के कान में सारा ने बाली पहनाई
ऐसे ही वो और ज्यादा वैसे वही और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, सुंदर लगने लगी। उसके बाद तो सारा की गैरत की हद ना रही, और कहा जाता है कि बनाते हव्वा में सबसे पहले जिस खातून का कान छेदा गया वो हाजर थी, और हाजर का कान छेदने वाली उसकी सौकन यानी सारा थी, जो जिन्होंने हाजर को इब्राहिम के हवाले किया था। तो हाजर ने, हाजर के कान को छेदने वाली औरत कौन थी? सारा। और सारा ने छेदा था क्यों? कसम खा लिया था मैं इसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है नोश डालूंगी, काट डालूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। ये गुस्से में आकर के गैरत की इंतहा जब हो गई कि मेरे शोहर की बीवी बीवी बन गई है, तो गुस्से में पैगंबर की बीवी थी, फिर भी उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा मैं इसको नोच डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उसके कान में सुराख कर दो। सुराख करने के बाद जब बाली पहना दी हाजर अलैहिस्सलाम के कान में, तो हाजर अलैहिस्सलाम और ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो इनको और ज्यादा गैरत आई कि मैंने इसके कान को सुराख कर दिया और बाली पहनाई तो और ज्यादा अच्छी लगती है, तब तो मेरा शौहर इसको और ज्यादा चाहेगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसके बाद और ज्यादा इनका गुस्सा बढ़ गया। जैसे जैसे अय्याम गुजरते गए सारा की गैरत बढ़ती गई, यहां तक कि सारा के साथ हाजर का निबाह मुमकिन नामुमकिन हो गया। और सारा ने कह दिया इसको मेरे सामने मत रखो, इसको ले जाओ कहीं छोड़कर आओ, यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे अगर रखोगे तो मैं कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ से ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सारे परेशान हो गए, सोचते हैं अब क्या करें, दो बीवियां हैं और एक बीवी बोलती है आप दूसरी को मेरे सामने मत रखो, इसके रखने का कोई भी यहाँ पे बंदोबस्त मत करो, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बिलाखिर हाजर की जिंदगी में शौहर से जुदाई का वक्त आ ही गया, हाजर के माने छोड़ने के, हिजरत करने के, गलबन इसी वजह से उनका नाम हाजर भी है कि अपने शौहर को छोड़ दिया उन्होंने और अपने जो है घर जो उनका था शाम से उनको अलग कर दिया गया। बिलाखिर हाजर की जिंदगी में शौहर से जुदाई का वक्त आ ही गया। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजर से कहा हाजर अब यहाँ तुम्हारा गुजर नहीं होने वाला, सारा तुमको कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है, सारा तुमको कभी कबूल करने वाली नहीं, जबकि तुम उसी की लौड़ी थी, लेकिन अब उसने ये कह दिया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमें एक लंबे सफर के लिए रवाना होना है, दूर दराज शहर मक्का की तरफ जाना है सफर करके। और मालूम है मक्का और शाम के दरमियान का फासला कितना है, सीरिया के दरमियान, मक्का और शाम के दरमियान 1994 किलोमीटर, तकरीबन 2000 किलोमीटर सफर किया, और एक बीवी को दूसरी बीवी से अलग करने के लिए कितना लंबा सफर किया, 1994 किलोमीटर, 2000 के करीब किलोमीटर सफर किया, और कहा कि जो है अब हमको यहां से निकलना है, तुम तैयारी कर लो सफर के लिए, तोशा तैयार करो। यकीनन ये उम्मे इस्माइल का बड़ा अजीम इम्तिहान था, क्योंकि उस वक्त उनकी गोद में इस्माइल सिर्फ चंद माह के शीरख्वार बच्चे थे। ये वाकया कब बड़ा मालूम है, जब उन्होंने कान छेद दिया, कान छेदने के बाद और खूबसूरत लगने लगी, और उसके कुछ दिनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने हाजर की गोद को हरा भरा कर दिया, इस्माइल की पैदाइश हो गई। इस्माइल की पैदाइश हो गई तो और ज्यादा गुस्सा आया और ज्यादा गैरत आई, और बार बार देख करके चिट्ठी दी मेरे पास तो कोई औलाद नहीं, इसके पास औलाद भी हो गई, ये खूबसूरत भी ज्यादा है, औलाद भी हो गई है, और इसके सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा में आकर के इब्राहिम को मजबूर करती थी। बिलाखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए, और अल्लाह ने देखा कि बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा मुस्तरिब रहते हैं दोनों बीवियों के मसले को लेकर के, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाओ मेरे इस्माइल को, अपने बेटे इस्माइल को और हाजर को मेरे घर के पास छोड़ दो। उस वक्त उनकी गोद में इस्माइल सिर्फ चंद माह के शीरख्वार बच्चे थे, अब तक दूध नहीं छोड़ा था। अब आइए गौर कीजिए, आगे आगे जो है ऐसे वाकयात हैं, इसके अंदर कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिससे हमारी आंखें नम हो जाएंगी, हमारे दिल एकदम बैठ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास पहुंच गए, जहां न कोई आबादी है, न कोई इंसान वहां रहने वाला है, न कोई सब्जा है, न वहां पे कोई दूसरा जानवर भी रहता है, न कोई इंसान है, न हैवान है, न कोई सब्जा है, पानी का भी वहां पे कोई इंतजाम नहीं, वही पानी जितना उन्होंने जो मटके वगैरह में रखा वही पानी था, और खजूर थोड़ा था। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है सवारी से हाजरा को नीचे उतारा, और वो हाजरा उतरी और उनके जो है गोद में इस्माइल थे,
और जो है उसके साथ साथ थोड़ा सा खजूर का जो है पैकेट था, या खजूर की गठरी थोड़ी सी बांध करके लाए थे, और पानी थोड़ा सा वहां पे रखा हुआ था मटके वगैरह में जो लेकर गए थे सवारी पर लाद करके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी से उतरे, अल्लाह का हुक्म था कि अपनी बीवी को हाजर को यहीं छोड़ दो, इस्माइल को नूरे नजर इस्माइल को भी यहीं छोड़ दो। बीवी को भी छोड़ा, नजर नूर नजर इस्माइल को भी नीचे उतारा, खुजूर से भरा थैला और पानी उनके हवाले करके वहां से लौटने लगे। अल्लाह का हुक्म ये भी था कि जब तुम लौटना वहां से तो मुड़कर देखना नहीं इन बच्चों को, अगर मुड़कर बच्चे को और बीवी को देखोगे हो सकता है तुम आजमाइश में नाकाम हो जाओ, तुमको यहीं छोड़कर जाना ही जाना है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वहां हाजर को छोड़ा इस्माइल को छोड़ा तो पलट कर जब वहां से पलटे तो उन्होंने पलट कर देखा भी नहीं कि हाजर किस हालत में है इस्माइल किस हालत में है। लेकिन जब उनकी अम्मी इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी हाजर अलैहिस्सलाम ने देखा कि इब्राहिम ने हमें यहाँ छोड़ दिया और छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई आबादी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सब्जा नहीं, किसी भी तरह के जो है रहने सहने का कोई बंदोबस्त है नहीं, जहां देखो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसे मौके पर हाजर पीछे पीछे जाती और पूछती, इब्राहिम इब्राहिम यहाँ किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो, किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो, ऐन तज़हबू वतत्रुकना बिहादल वादी, इस पहाड़ी में न पानी है न इंसान है न सब्जाजार है न मकान है न बिस्तर है न साहिबान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। पीछे पीछे दौड़ दी जाती, इब्राहिम सलाम आगे आगे भागते जाते, ये पीछे पीछे जाती और जब करीब पहुंचती तो पूछती, इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई भी जवाब नहीं देते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई भी जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजर से नाराज थे या इस्माइल से नाराज थे, या हाजर ने इब्राहिम को नाराज किया था, उनके साथ कोई गलत सलूक किया था, ऐसा नहीं था। या ऐसा भी नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े सख्त मिजाज थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत जालिम थे, ऐसा भी नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने खुद गवाही दी है, इन इब्राहिम अलहलीम, बेशक इब्राहिम तो नहायत बुर्दबार, बहुत आवेजारी करने वाला, रुजू करने वाला, इतना बुर्दबार है कि जालिम बाप आजर ने जब इब्राहिम से कहा था कि इब्राहिम की तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है, अगर तू बाज ना आएगा तो मुझे तुझे पत्थरों से मारकर संगसार कर दूंगा, इतने सख्त जुमले के जवाब में इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था, अपने बाप आजर से कहा था सलाम अलैका सअस्तगफिरुलका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, इतना रहम दिल इब्राहिम कि बाप ने कहा यहां से निकल जाओ वरना पत्थरों से मार डालूंगा, और उसके जवाब में इब्राहिम ने कहा अब्बू जान आप पर सलाम, अल्लाह की रहमत और सलामती हो, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा। वही इब्राहिम है कि अल्लाह का हुक्म आ गया कि अपने बच्चे को छोड़ दो, हाजर को छोड़ दो, खाने काबा के पास यहाँ से निकल जाओ, वो निकल के जा रहे हैं और पीछे हाजर रो रही है, बार बार सवाल कर रही है और कहती है इब्राहिम इब्राहिम, अपने शोहर का नाम लेकर बोलती इब्राहिम यहाँ मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कौन सा बंदोबस्त है, यहाँ कौन सा इंतजाम है, यहाँ कैसे मैं जिंदगी गुजारूंगी, ये छोटा सा बच्चा है शीरखार बच्चा, पानी भी बहुत ज्यादा नहीं, पानी खत्म हो जाएगा तो मैं बच्चे को क्या पिलाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी तो बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजों को सोचकर वो परेशान थी, इतनी परेशान थी कि जब भागती भागती काफी दूर तक गई, जब वो थक गई और समझ गई कि ये मुड़कर देखने वाले नहीं है, ये अब चले ही जाएंगे, हमारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे, तब तो उन्होंने फिर सवाल किया कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम का हाजर के सवाल का जवाब न देना सख्त मिजाजी या नाराजगी की वजह से नहीं था, बल्कि महज अल्लाह के हुक्म की बजावरी उसकी रजा दुई की वजह से था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में इस्माइल जैसी औलाद अदा की थी और वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, हाजरा के बदन से इस्माइल पैदा हुए थे, इसलिए हाजरा से भी पना मोहब्बत थी। ये सब अल्लाह के फैसले की वजह से था, अल्लाह के जो है फरमान और हुक्म की वजह से था। जब हाजरा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे पूछते पूछते काफी दूर चली गई और कोई जवाब नहीं पा रही है, बार बार पूछती इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, क्यों यहाँ छोड़ के जा रहे हो, यहाँ कोई इंतजाम नहीं, मुझे कैसे छोड़ के जा रहे हो, क्यों छोड़ करके जा रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी दूर पीछे पीछे चली गई पूछते पूछते और मायूस हो गई कोई जवाब नहीं देने वाले, तो कहा इब्राहिम क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के तुम हुक्म के बड़े पाबंद हो, अल्लाह हुक्म अगर दे तो तुम उसका इनकार कभी नहीं करते, क्या अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म आ गया है कि मुझे और मेरे नूरे नजर मेरे मासूम इस्माइल को तुम यहीं छोड़कर चले जाओ। तो इब्राहिम ने जवाब दिया हाँ, जो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने जवाब में सिर्फ हाँ कहा, नअम हाँ अल्लाह का ये हुक्म है कि मैं तुम दोनों को यहीं छोड़कर चला जाऊं।
तो हाजर अली सलाम ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, आप मुतमईन होकर जाइए, अगर अल्लाह के हुक्म से आप इस पहाड़ी में हमको छोड़कर जा रहे हैं तो आप जाइए। अल्लाह हमको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा, हम अल्लाह माली हैं, हम अल्लाह वाली हैं, अल्लाह को मानती हैं और अल्लाह पर ईमान रखने वाली हैं, आप जाइए, आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ कि अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। तो ये जो है हाजरा और सारा का वाकया बड़ा इबरत आमोज़ वाकया है, चाहे वो गैरत से मुतालिक हो, चाहे हिजरत से मुतालिक हो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ईमान नसीब फरमाए कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। आगे एक सवाल है, इब्राहिम अलैहि सलाम ने वो कौन सी तीन झूठ बोले जिसका तस्करा सही बुखारी में, वो रवायत में एक बार फिर पढ़ देता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने तीन मरतबा झूठ बोला था, दो उनमें से खालिस अल्लाह की अज़्ज़ा वजल की रजा के लिए। एक तो उनका फरमाना बतौर तौरीये क्या था कि मैं बीमार हूँ, जब कौम के लोग जाने लगे, क्या हाजरा से हाजरा अलैहि सलाम इब्राहिम के पास आने से पहले भी मोमिना थी। बहरहाल इसके बारे में कोई सही रवायत मिलती नहीं है कि मोमिना थी कि नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब हाजर के सारा के पास आ गए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। उससे पहले की जिंदगी के बारे में कोई सही रवायत मिलती नहीं है। दोनों हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मोमिना रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मोमिना ना रही हूँ, लेकिन इनके आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से के पास आने के बाद वो मोमिना थी और नेक थी। बहरहाल इसके बारे में कोई सही रवायत मुझे अभी याद नहीं है, और अगर उनको मोमिना भी मान ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, हो सकता है ईमान वाली रही हो पहले से लेकिन ईमान का माहौल उनको ना मिला हो, ईमान का मौका ना मिला हो और बाद में माहौल मिला हो तो उन्होंने अपने ईमान का इजहार कर दिया हो, तो बहरहाल दोनों बातें हो सकती है, लेकिन कोई सही रवायत अभी मेरे नजर में नहीं है। दूसरा उनका है फरमाना, बल्कि इनको इनके बड़े बुत ने किया है और बयान किया कि एक मरतबा इब्राहिम अलैहि सलाम और सालार अलैहि सलाम एक जालिम बादशाह की हदूद सल्तनत से गुजर रहे थे। बादशाह को खबर मिली कि यहाँ एक शख्स आया हुआ है, उसके साथ दुनिया की एक खूबसूरत तरीन औरत है। सारा खूबसूरत थी और उलमा ने लिखा है कि हाजर जो थी वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी, सारा जो खूबसूरत थी उससे ज्यादा भी खूबसूरत हाजर थी। बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपना आदमी भेजकर उन्हें बुलवाया और सारा के मुतालिक पूछा, यह कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। फिर आप सारा अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, अय सारा, यहाँ अब मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी मोमिन नहीं है, इसलिए तुम कह देना ये तो मेरे भाई हैं। और उस बादशाह ने मुझसे पूछा तो मैंने उससे कह दिया कि तुम मेरी दीनी एतबार से बहनों है, मेरी बहन हो, कह दिया, इसलिए अब तुम कोई ऐसी बात ना कहना जिसे मैं झूठा बनूं। फिर उस जालिम ने सारा को बुलवाया और जब उसके पास गई तो उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन फौरन ही जो है पकड़ लिया गया। फिर कहने लगा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, इस मुसीबत से निजात दे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने सारा ने दुआ किया अल्लाह से और वो छोड़ दिया गया। लेकिन फिर दूसरी मरतबा उसने हाथ बढ़ाया, उस मरतबा भी पकड़ लिया गया, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। फिर कहने लगा, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर सारा ने दुआ की और छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने अपने किसी खिदमतगार को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो, ये तो कोई सर्कस जिन है। जाते हुए सारा अलैहिस्सलाम के लिए उसने हाजरा को खिदमत के लिए दे दिया। और जब सारा आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे, उधर वो भी परेशान होकर के नमाज पढ़ रही, सारा भी, और इब्राहिम सारा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे, उनको भी गवारा नहीं था कि मेरे शोहर के मेरी बीवी के साथ कोई गलत मामला हो। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। आपने हाथ के इशारे से उनका हाल पूछा, उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने काफिर यह कहा कि फाजिल के फरेब को उसी के मुंह पर दे मारा, और हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए दिया। अबू हुरैरा ने बयान किया कि ऐ बनी मा समा, ऐ आसमानी पानी की औलाद, यानी अहले अरब, तुम्हारी वालिदा यही हाजरा अलैहिस्सलाम है, यानी हाजरा की इज्जत करो, यही तुम्हारी जो है माँ है, इस्माइल की माँ यही है, और इन्हीं की नस्ल से तुम सब लोग जो है आगे बढ़े हो। अब आगे एक सवाल है, जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में दाखिल होने वालों को जन्नती किस नाम से पुकारेंगे? बहुत सारे लोग होंगे जो गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। सजा भुगतने के बाद उनको अल्लाह ताला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए जहन्नम से निकालेगा, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो जो जन्नती पहले से जन्नत में होंगे, जहन्नम में अजाब चखने के बाद
जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नती उनको क्या कहेंगे, इसके अंदर रवायत मौजूद है, सही बुखारी हदीस नंबर 6569। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात जहन्नम से निकलेगी, उसके बाद की जहन्नम की आग ने उनको जला डाला होगा, फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे और अहले जन्नत उनको जहन्नमीन के नाम से याद करेंगे। कुछ उलमा ने लिखा कि बाद में वो लकब उनका मिट जाएगा, शुरू शुरू में उनको जहन्नमी कहा जाएगा, बाद में भी जन्नती कहे जाने लगेंगे। जैसे कि कोई आदमी किसी किताब में फेल हो जाता है तो उसको मुकम्मल पास नहीं कहते हैं, बल्कि उसको प्रमोटेड कहा जाता है कि इसको तरक्की दी गई, उसको पास किया गया। तो ऐसे ही वो जहन्नम के अजाब को चखने के बाद जब वो जन्नत में जाएंगे तो पहले जन्नती डायरेक्ट जन्नत दाखिल होने वाले लोग उनको जहन्नमीन के नाम से याद करेंगे। अब आगे है शफात का बयान। शफात की जो है तकरीबन 8 किस्मों को मैंने जमा किया है और शफात की तारीफ इससे पहले हो गई थी। शफात की बुनियादी तौर से 2 किस्म है। पहली किस्म है सही और साबित शुदा शफात। इससे मुराद वो शफात है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में साबित फरमाया है। ये शफात अहले तौहीद और इखलास ही को नसीब होगी, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोगों में आपकी शफात से महसूस होने वाले सबसे ज्यादा सआदत हासिल करने वाला कौन शख्स होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी। सही बुखारी हदीस नंबर 99। जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, तो पता चलता है कि शफात उन लोगों के हक में ही होगी जो सच्चे मुवहिद होंगे, जो दुनिया में तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे। तो ये शफात साबित है, ये शफात साबित है जो हर अहले तौहीद को नसीब होगी। दूसरी किस्म शफात बातला, ऐसी शफात जो किसी के कुछ काम नहीं आएगी। इससे मुराद मुशरिकीन की मज़मूमा शफात, जो दावा करते हैं कि उनके माबूद आने बातिल अल्लाह के उनकी सिफारिश करेंगे, जिनकी अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं, ये वो शफात है जो उनके कुछ भी काम नहीं आएगी। जैसे कि हर शिर्क करने वाला कि अपने किसी बड़े की पूजा करता है और कहता है कि मेरे हक में सिफारिश करेंगे, अल्लाह ने फरमाया फमा तनफअहुम शफाअतुश्शाफिईन, तो इस हाल में सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक में कुछ फायदा नहीं देगी। जो दुनिया में शिर्क और कुफ्र करने वाले थे उनके हक में सिफारिश काम नहीं आएगी, और जिनको अल्लाह ने सिफारिश का जो है परमिशन नहीं दिया होगा उनकी शफात काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला उन मुशरिकीन के शिर्क से खुश नहीं और ना ये मुमकिन है कि वो मुशरिकीन के लिए शफात की किसी को इजाजत दे। जिस तरह शफात हासिल करने वाले का अहले तौहीद होना जरूरी है, ऐसे शफात करने वाले का भी तौहीद वाला होना जरूरी है। जो शिर्क करने वाला होगा ना वो शफात कर पाएगा, ना उसके हक में कोई शफात कर सकेगा, क्योंकि वो तो अपने पसंदीदा बंदों के लिए शफात की इजाजत देगा और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र और फसाद को पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा मुशरिकीन का अपने माबूदों से ये ताल्लुक कायम करना या ये कहना हाउलाए शफाउना इंदल्ला, कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करने वाले हैं, एक बातिल और गैर नफा बख्श ताल्लुक है और ये सिफारिश कभी भी अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेगा। ये ताल्लुक अल्लाह ताला उन्हीं ये ताल्लुक उन्हें अल्लाह से दूर तक करता चला जाता है, क्योंकि मुशरिकीन बुतों की इबादत के लिए बातिल वसीले के जरिया से अपने बुतों से शफात की उम्मीद रखते हैं, और ये उनकी बेवकूफ़ी और हमाकत है कि तकर्रुब इलाही के हुसूल के लिए वो एक ऐसा वसीला अख्तियार करते हैं कि जो उन्हें अल्लाह ताला से मजीद दूर करता चला जाता है। तो ये शफात की बुनियादी तौर से 2 किस्में मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अगले दर्स में शफात की जो है 8 किस्में वो बयान करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में अकीदे तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अदा फरमा, हमारे जाहिर और बातिन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा, हमारी जिंदगी में अमन चैन और शांति और सुकून अदा फरमा, और हम सबको ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।